भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो महज कांग्रेस ही इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही थी, लेकिन अब उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने भी सतपाल सत्ती के खिलाफ नोटिस निकाल दिया है और 24 घंटे के भीतर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही नहीं, उपायुक्त ने एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी है, जिसमें इस घटना का पूरा जिक्र किया गया है। उपायुक्त सोलन ने सतपाल सत्ती के खिलाफ एसपी नालागढ़ को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मदन हिमाचली ने उपायुक्त सोलन द्वारा उठाए गए इस कदम को स्वागत योग्य कहा है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति अपने स्तर से नीचे गिरती जा रही है और यही समय है कि प्रशासनिक अधिकारी और इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उपायुक्त सोलन ने सख्त कदम उठाकर उन नेताओं पर नकेल कसी है जो अभद्र टिप्पणियां कर सुर्खियां में बने रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तल्ख सियासत की हदें पार होती जा रही हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस नेता और समर्थक भी बीजेपी अध्यक्ष के विरुद्ध सोशल मीडिया पर जमकर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक कांग्रेस समर्थक और वीरभद्र सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे विनय शर्मा ने सतपाल सत्ती की जुबान काटने वाले को 10 लाख देने की संबंधित पोस्ट डाली है, जिसके बाद अब हिमाचल बीजेपी भी उग्र हो गई है। पार्टी की युवा मोर्चा की ऊना इकाई ने इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इस पोस्ट के धारक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल और कांग्रेस समर्थक द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी जुबान काटने वाली टिप्पणी को कांग्रेस की तरफ से इशारा करते हुए पुराने युग का फतवा प्रणाली बताया। उन्होंने टिप्पणी करने वाले को कांग्रेस नेताओं की चमचागिरी करने वाला बताया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस दौरान नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला जी की पवित्र ज्योति के दर्शन किए और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि इन नवरात्रों में पिछले नवरात्रों के बजाय चढ़ावे में 9,38,325 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 2018 में चैत्र नवरात्रों में 61,22,295 रुपए चढ़ावे के रूप में चढ़े। 2019 में ये चढ़ावा 70,60,620 रुपए श्रद्धालुओं द्वारा मां ज्वाला जी के चरणों में अर्पित किए गए और सोना 14 ग्राम 700 मिलीग्राम चढ़ाया गया और चांदी 5 किलो 835 ग्राम श्रद्धालुओं द्वारा मां ज्वाला जी के चरणों में चढ़ावे के रूप में चढ़ाए गए। इन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पुजारी सभा के सदस्यों ने और स्थानीय जनता मंदिर प्रशासन का पूरा सहयोग दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार गृह रक्षा विभाग की ओर से 6ठी से 8वीं कक्षा तक की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में ये कार्य आदेशक अजय बोध की अध्यक्षता में किया जा रहा है। खंड स्तर पर कंपनी कमांडर एसपीसी जगन्नाथ की अध्यक्षता में राजकीय माध्यमिक पाठशाला कोटला और राजकीय माध्यमिक पाठशाला प्लासला में प्रशिक्षक विजय कुमार राणा द्वारा आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में खासकर लड़कियों को जीवन में आने वाली मुश्किलों से कैसे निपटा जाएगा और अपना बचाव किस तरह से किया जाएगा के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके सिखाए जा रहे हैं। साथ ही बचाव के तरीके, आपातकालीन तरीके में कैसे बचा जाए उसके लिए भी गुर सिखाए जा रहे हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, आग,
भूमि कटाव, रोड एक्सीडेंट, हड्डियों की टूटना, CPR चेकिंग, सांप के काटने पर उपचार इत्यादि गुर बताए गए। प्रशिक्षक विजय कुमार राणा ने बताया कि लड़कियों को जो आत्म सुरक्षा के भिन्न भिन्न प्रकार के गुर सिखाए गए हैं, इनकी मदद से लड़कियां अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, ताकि समय आने पर हर प्रकार की मुसीबतों का सामना कर सकें। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बरसात हो रही है, जहां पर ठंडी और तेज हवाओं से जीवन अस्त व्यस्त है। तेज बरसात से गर्मी में सर्दी का एहसास पिछले दो दिनों से हो रहा है। मौसम का मिजाज चुनाव प्रचार में भी खराब असर डाल रहा है। स्वारघाट श्री नैना देवी के क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है और वहां पर धुंध के कारण गाड़ी चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। पटियाले तो आया जी, माता जी के दर्शन करने। बहुत बढ़िया मौसम है, पूरे बढ़िया माता के दर्शन हुए, बागो बाग हो गया माता।